नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को लगातार कैश निकालने को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों यात्रियों को कैश निकालने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। वहीं स्टेशन अधिकारियों की माने तो प्लेटफॉर्म नंबर पर स्टेशन परिसर में 2 ATM थे और जिसमें से एक करीब 6 महीने और दूसरा करीब साल भर से बंद है। बताया ये जा रहा है कि रेलवे की नई पॉलिसी के चलते यह बैंक ATM में कंपनियां भाग नहीं ले रही हैं। आलम यह है कि भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर 2 ATM हैं और यह ATM स्टेशन परिसर के अंदर ही है। जब यहां पर कैश नहीं होता है तब यात्रियों को बाहर जाना पड़ता है। वहीं बजरिया इलाके में मौजूद ATM करीब 1 किलोमीटर दूर 80 फीट रोड पर है और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म 6 की तरफ मुख्य सड़क पर कोई भी ATM नहीं है और इसके लिए यात्रियों को हमीदिया रोड सड़क तक आना पड़ता है। इस बारे में स्टेशन पर मौजूद ऑटो चालकों ने बताया कि लगातार यहां पर दिक्कतें आ रही हैं। ऑटो चालक जयप्रकाश सेन कहते हैं कि हमारे पास रोजाना ऐसे लोग आते हैं जो कि ATM का पता पूछते हैं। दिन भर लोग यहां पर परेशान होते रहते हैं जिसके बाद हम लोगों को 80 फीट रोड पर जाने के लिए कहते हैं और जिनके पास समय होता है वह लोग चले जाते हैं और जिनके पास नहीं होता है वह लोग परेशान होते रहते हैं। और कई लोग हम लोगों से यह भी पेटीएम करके कैश की डिमांड करते हैं। ATM का टेंडर अक्टूबर 2023 में समाप्त हो चुका था और इसके बाद रेलवे ने 3 बार ठेका अलाउट किया था इसके साथ ही, जिसमें बैंकों या फिर ATM कंपनियों ने भाग नहीं लिया। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2023 से पहले तक रेलवे द्वारा ATM के लिए परिसर में जगह 10x10 की दी जाती थी जिसे रेलवे ने घटाकर 6x6 कर दिया है।